शहीद बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल सोसाइटी पिंड सानी वालों चलाए जा रहे शहीद बाबा दीप सिंह जी बिरध अनाथ अपाहिज अते नेत्रहीन आश्रम विखे रह रहे बेसहारा लाचार बजुर्गां बीबियां अते बच्चियां नूं सरकारी सहूलतां मुहैया करवाउण दे मंतव नाल अज आश्रम विखे आधार कार्ड बनाउण लई कैंप लगाया गया, जिस विच बतौर मुख मेहमान वजो हलका फगवाड़ा दे विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल अते विशेष मेहमान वजो ब्लाक समिति फगवाड़ा दे चेयरमैन गुरदयाल सिंह भुल्ला राई पुज्जे। इस मौके विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने दस्या कि सरकार वल्लों जो भी सरकारी स्कीमां चलाईयां जा रहीयां हन उह हर एक लोड़वंद नूं मिलनियां चाहीदियां हन। इह सब तां ही संभव हो सकदा है जेकर लोड़वंद लोकां कोल आधार कार्ड होवे। इस लई आश्रम विच रह रहे बेसहारा बजुर्गां अते बच्चियां दे आधार कार्ड बनाउण लई इक कैंप दा आयोजन कीता गया है। इस कैंप विच 140 दे करीब आधार कार्ड नवें या उन्हां दी सुधाई कीती जाएगी। हलका विधायक सरदार बलविंदर सिंह धालीवाल ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि आश्रम विच रह रहे बेसहारा बजुर्गां अते बच्चियां दे आधार कार्ड बनाउण उपरंत बुढ़ेपा अंगहीन विधवा अते निआश्रित बच्चियां नूं पेंशन दी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जिस तरह कि सारे जानते हैं कि हर शहर विच या हर जगह से सारे ही व्यक्ति बेशक एडमिनिस्ट्रेशन हो बेशक पॉलिटिक्स के बीच कोई भी हो, कोशिश होंगी है कि जिन्हें भी कोई दीन दुखी है जिन्होंने कोई सहायता किसी प्रकार की चाहिए हैगी है उन्होंने वास्ते हर टाइम कोशिश करते रहना चाहिए है। तो उसी कड़ी में जोड़ा है अच्छे पिंड सानी विखे जो आश्रम है अच्छे इतने जिन्हें भी इतने आश्रित जोड़े है इतने रेंदे है उन्होंने यानी कि किसी ना किसी प्रकार की बहुत बड़ी सेवा इस आश्रम वालों की जा रही हैगी। तो उसी कड़ी में अज इतने जिन्हें भी साढ़े इतने आश्रित रेंदे है उन्होंने वास्ते जोड़े है किसी प्रकार की कोई सहायता देने वास्ते जिमें कि गवर्नमेंट वालों जोड़े है वह पेंशन वगैरह स्कीम चलती हैगी है। उसी कड़ी में क्योंकि अज के समय में जोड़ी हैगी है किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट तो माई सहायता लेनी हैगी है तो वो जोड़ा है आधार कार्ड बहुत जरूरी हैगी है। उस कड़ी में जोड़ा है जिसे स्पेशल कैंप लगाया गया जिस नैबसदार साहब भी आए हैं जी। तो मेन मकसद यही है कि क्योंकि इन्होंने वास्ते उत्थे जा के करवाना या दफ्तर में जाके करवाना बहुत मुश्किल का काम से तो इस करके इन्होंने मुश्किल को हल करते हुए अब इतने स्पेशल कैंप जो लगवाया गया है और सारे जिन्हें भी लगभग 140 जिन्हें आश्रित इतने रहते हैं उन्होंने अब आधार कार्ड बनाए जाएंगे और उस तो बाद जो है जिन्हें भी सरकार वालों किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता है बेशक वो पेंशन हो बेशक हो किसी प्रकार की हो आटा दाल है या स्मार्ट कार्ड वगैरह बनाना है वो तहत कवर किया जाऊगा। तो मैं सारे ही प्रबंधकों में विश्वास बनना है कि इतने ही इन्हों के पेंशन फॉर्म भर के इतों सेंक्शन करवाए जाएंगे। इसी तरह जो नीले कार्ड वगैरह है वो भी इतने भर के जोड़ा है इतों करवाए जाएंगे क्योंकि अजक के समय में लोड़ हैगी है कि असी दीन दुखी जिन्हें भी है बेशक जी आप देखते हैं क्योंकि इतने आश्रम के आश्रम की जी है कृपा दृष्टि सदका इतने रह रहे हैं तो बाहर भी लोग बड़े है कि मेरी सड़क पर रेंगे है किसी कभी तो इस करके साडा सारे का बेशक जी किसी भी कपैसिटी कोई काम करते हुए साडा सारे का फर्ज बनता है कि असी उन्होंने समय समय से जिस प्रकार भी असी हेल्प कर सकते हैं सू करनी चाहिए है ता जो अज्ज समय में जिन्हें भी असं वो तो वह लोगों ने दुख तकलीफ दूर कर सकी है वह भी परमात्मा की कृपा के नाल ही कर सकते हैं गुरु महाराज की कृपा के नाल कर सकते हैं। इस करके मैं इतने सारे ही प्रबंधक कमेटी में सारे ही इतने आश्रम से जिन्हें भी संबंधित है सारे पिंड पंचायत भी हैगी पंचायत भी सरपंचा भी आए हैं तो उन्होंने विश्वास होना कि जो मेरे लैवल तो जो भी मैं कर सकता इस आश्रम के वास्ते वो जरूर करता रहा। धन्यवाद। इस मौके आश्रम प्रबंधकों वालों आश्रम दीयां समस्यावां संबंधी एक मंग पत्र भी विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल नूं दिता गया। इस मौके प्रबंधकों वालों विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ब्लाक समिति फगवाड़ा दे चेयरमैन गुरदयाल सिंह भुल्ला राई अते नायब तहसीलदार फगवाड़ा पवन कुमार नूं दुशाला दे के सन्मानित किया गया। इस कैंप दौरान नायब तहसीलदार फगवाड़ा पवन कुमार सरपंच रामपाल सानी सेवादार रणजीत सिंह आश्रम प्रबंधक कमेटी के प्रधान कृपाल सिंह मायोपट्टी खजांची हरनेक सिंह रोमी ढाबे वाले सकत्र कृपाल सिंह बलाकीपुर जनरल सकत्र सतनाम सिंह नंगल ठंडल पटवारी मनजीत सिंह फगवाड़ा सतनाम सिंह सानी टहल सिंह जगजीतपुर पंच जरनैल सिंह सानी
ਪੰਜ ਚੁੰਨੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਸਟਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।